Good morning, guys. Good morning from Jispa. कल हमको शिंकुला पे, जैसे कि अपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, हमें शिंकुला पे जाने का मौका नहीं मिला. बहुत स्नोफॉल वहाँ पे हो रहा था, इसके लिए हमने सोचा कि जिस्पा में आके रुकते हैं. ऐसे कुछ 10-12 किलोमीटर ही ना, ये दारचा चेक पोस्ट है, उसके आगे 39 किलोमीटर पे शिंकुला है. और आज सुबह से बहुत बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे भी. स्नोफॉल नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन पहाड़ों में कल जो पहाड़ हमें दिख रहे थे, आज वो पूरे स्नो से ढके हुए हैं. सुबह के बज चुके हैं 9. अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और तुरंत निकल जाएंगे टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है पदुम. और ये वाला व्लॉग बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है और हमारे लिए भी बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि रोड्स तो है ही नहीं. आप अभी अगले आगे देखोगे वैसे भी. और सब गाड़ियाँ अभी सबने अपना पैकिंग करने को लिया है, अभी थोड़ी देर में पैकिंग करके हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे. यहाँ से हमारा एंट्री. और रौनक अपना बैग लेके रेडी हो चुका है. मंथन ऑलरेडी, रोशन हमेशा की तरह, मेरा बैग पैक्ड है उधर. साहिल जैकेट पहन के रेडी. तूने बैग लगा दिया? हाँ लगा दिया. लगा दो. ये रोशन, साहिल और रौनक का रूम. ये मंथन, दुर्गेश एंड भक्ति. ये वरंडा है, ओपन पैसेज. ये हमारा रूम, मेरा और वरुण का. अच्छा था. अच्छा, चलने वाले हैं मतलब टूवर्ड्स शिंकुला पास. सबकी बाइक्स रेडी है. और ये आर्मी का कॉन्वॉइस, फर्स्ट टाइम इस रूट पे हमें मिले. नहीं तो लास्ट टाइम हम जम्मू श्रीनगर से गए थे, तभी तो वहाँ पे बहुत सारे थे. और ये फर्स्ट टाइम आज हमें दिख रहा है टूवर्ड्स हमारे राइड पे. और जितने लोगों को आप सल्यूट करेंगे, वो रिटर्न सल्यूट करेंगे ही आपको. कल हम यही ब्रिज से आए थे, वही ब्रिज से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दारचा चेक पोस्ट, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है. तो हमें शायद से 10 से 15 मिनट लग जाने चाहिए. और वहाँ पे भी कैसे अभी पता नहीं कि शिंकुला पास के लिए हमको छोड़ेंगे या नहीं, ये वहाँ जाके पता चलेगा हमको. और यह विजिट है दारचा ब्रिज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश, जो हमने आपको अभी जस्ट दिखाया. और ये बहुत सारे राइडर्स वहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी लद्दाख का सीज़न शुरू हो चुका है. और अभी ठंड भी बहुत है यहाँ पे. इसके लिए हमने 2-3 दिन लेयर पहना है, रेन लाइनर पहना है, वुलन ग्लव्स पहना है. और हम पहुँच चुके हैं अभी दारचा चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्री करना कहेंगे शायद. और हम क्रॉस हो चुके हैं अभी दारचा चेक पोस्ट. और ये भालू डॉग. और यहाँ से शिंकुला है 39 किलोमीटर, पदुम है 143. तो हमारा टारगेट आज का है पदुम, जो कि है 143 किलोमीटर दूर. तो देखते हैं, हमें शायद पूरा दिन चला जाएगा, क्योंकि रास्ते है ही नहीं. लेकिन हमारे पास है हिमालयन बिल्ड फॉर रोड्स एंड बिल्ड फॉर नो रोड्स. पहला ऑफ रोडिंग पैच ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है. और सामने साइड गाड़ी ट्रू टेस्ट होने वाला है अभी हमारा. व्यू का मजा क्या बन ली थी. हाय झूले. ये ऑफ रोडिंग का पैच स्टार्ट हो चुका है. हम दोनों को भक्ति चढ़ो, पाए खाली ठेवून चढ़ो. हाँ एवढीच्यामध्ये फटली. लेफ्ट नेट टाक.
और ये अभी स्नो स्टार्ट हो गया है रास्ते पे, हम अपने बोल्ट को स्नो देंगे थोड़ा सा। ओ बर्फ बर्फ था बड़ा, और ये मंथन का बैक पर देख रहा, और ये मंथन भी अपने बाइक को फर्स्ट टाइम इन लद्दाख, और ये दोनों साइड में बर्फ की दीवार। व्हाट वी हैव ड्रीम्ड ऑफ फ्रॉम लास्ट वन ईयर टू कम हियर। वरुण का बगीरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे बोल्ट ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है यहाँ पे। और ये बर्फ के पहाड़ 6-6 फुट दोनों साइड में, आज तक मैंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। और ये आ चुका है शिंकुला टॉप, और बहुत गर्दी है, फोटो खींचने के लिए। और हम लोग शिंकुला टॉप पहुंच चुके हैं गाइस। यो बॉयज वी डिड इट। तो आपने देखा बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग थी, मंथन गिर गया उसमें, मेरे भी शूज़ वगैरह बिक गए, उसमें भी ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो ऑक्सीमीटर से चेक कर रहा है अभी। और ये वरुण को भी सिंपला टॉप पे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत, मी पन करना है। और ये सिंपला टॉप पे हम पहुँच चुके हैं 16,580 feet। रोशन, दुर्गेश, भक्ति, वरुण, साहिल और अपना बोल्ट रेडी। और मुझे भी थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं भी थोड़ा ले लेता हूँ स्प्रे। ये सिंकुला टॉप जो है ये किस चीज़ पे पड़ा है उसका नॉलेज है ओनली वरुण के पास। वरुण को भी, रोशन को भी तकलीफ हो रहा है, तो फॉर सेफ साइड ऑक्सीजन स्प्रे ले रहा है वो। हम निकल चुके हैं शिंकुला टॉप से, शाबाश। दुर्गे से अड़क लेगा। शाबाश चल। हाँ फुल स्लश है। ऑफ रोडिंग तो खत्म होने का नाम नहीं रहा है। कट भक्ति ज्यादा लागल, कट नको मारू। और ऑफ रोडिंग का पैच शायद से अभी ख़त्म हो चुका है, और हमको मिला है अभी प्रॉपर टायर मैक। तो अभी हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। और ये हो चुका है लैंडस्लाइड, यहाँ पे क्रेन के मदद से क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत स्लश है। और ये हमारे रोशन भाई फुल ऑफ रोडिंग सैडल करते हुए, और रोशन भाई का उसका वीडियो चाहिए था, तो ये लो आपका वीडियो। और ये वर्ल्ड फेमस चाचा चाचा ढाबा, इसके आगे कुछ नहीं मिलने, सब यहाँ पे रुक गए। ये थाम भाई देगा, और ये दुर्गेश की BMW उतरते, BMW टाइगर चढ़ नहीं रही है इसके लिए, वो मशक्कत कर रहा है वहाँ पे दुर्गेश, और मैंने तो दुर्गेश का पैर नहीं पहुँचा नीचे।
क्योंकि ऐसा गाड़ी का कुछ तो इश्यू हो गया, क्या है देखते हैं। क्या जा रहा रे कशा वरून? पहिला गियर वर 9000 आरपीएम वर पण गाडी 5 वर जात नाही। तू ऑफ रोड बंद कर, ऑफ रोड बंद कर, नॉर्मल मोड टाक, आरामात चढेल बाईक। वर्ल्ड फेमस कॉनबोर इंजिन, ये देखो 500 और जो वीडियोस निकल रहे वहाँ पे 10 से सब, वहाँ से ये दिखता है इतना छोटा। ये द ग्रेट कॉनबोर रंजन, ये वर समर और ये वरुण जी का स्टाइल है, डायरेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक। और ये गोनबोर रंजन के टेंट्स है, वहाँ से इसका जो यूट्यूबर्स व्यू दिखाते वो वहाँ से आता है, यहाँ से तो इतना बड़ा है हमको तो पता भी नहीं चला। तो दुर्गेश भाई ने याद दिलाया राइट में है तभी तो पता चला। दुर्गेश भाई का थोड़ा इशू हो गया है, तो गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा अभी, क्या पता क्या इशू है। और अपने रोशन भाई तो कुछ सुन ही नहीं रहे यार, डायरेक्ट। और ये है हमारी फीमेल राइडर जो कि एकदम बिंदास चला रही है, इतना गिरने के बाद भी उनका हौसला एकदम तगड़ा चल रहा है। दिस इज द कॉनवॉय इंजन वी ऑल बीन वेटिंग फॉर। यहाँ से देखिए लुक और हमने वहाँ से देखा, क्या अलग अलग सीन ही अलग था। अभी देखिए लुक। और दोपहर के बज चुके हैं 2 और पीछे जैसे कि आप देख सकते हो द सेक्रेट माउंटेन ऑफ कॉनबोर रंजन। यहाँ पे कैंप स्टेज वगैरह भी है, आप चाहिए तो यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और क्वालिटी शायद से मुझे लगता है कि प्रॉपर सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो इसके आगे पदुम हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अच्छी होम स्टेज वगैरह है और कॉनबोर रंजन से तो नज़र ही नहीं हट रही है। और रोशन भाई हमारे फुल हिमालयन पे सैडल करते हुए जैसे कि आपने देखा रहेगा अभी एकदम फुल कॉन्फिडेंस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस जैसे कि हर टाइम मैं लद्दाख मारता हूँ वैसे कर रहे हैं। जबरदस्त, सबसे बेस्ट राइडर है। जीएस वाले मन बोलो लाया मैगी, साहिल ने मंगाया मैगी, रौनक का उपवास है और वरुण ने मंगाया, क्या मंगाया, ब्रेड ऑमलेट, रोशन का अंडा मैगी, दुर्गेश ब्रेड ऑमलेट भी खाऊंगा, दोनों खाऊंगा। आज सारा सब खाएगा, मेरा आज गुरुवार है तो झुकेगा नहीं। हम गोनबोर रंजन से टुवर्ड्स पदुम। आज के दिन में हमने कवर किया है 62.4 किलोमीटर अब तक और 70-80 किलोमीटर है। 4:04 हो चुके, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, हाई ऑल्टीट्यूड पे सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। अभी जैसे हेलमेट ग्लव्स पहने बाइक पे बैठ गया तो भी सांस फूल गई है। और ये अपने रोशन भाई फुल सैडलिंग मूड में आज, ये होता है हिमालयन का फायदा। हाँ इच्छी कह दे मैटर द लॉट भक्ति काय झालं काय झालं रे कोण कोण पडलं कोण पडलं कोण पडलं कोण एकटी अरे बाबा सांगतो काय झालं आला कोण हा भाई मोठी दबरे याचा बॅलन्स गेला हा बोलतो पडणार पडणार म्हणून हा थांबला याचा पाठवाट मी उभा होतो मी उतरलो मी थांबलो ब्रेक मारला बॅलन्स केला ती आली धाड करून घुसली मी पण आडवा ती पण आडवी करून का व्हिडिओ आगे चल कौन भाई कौन भाई वरुण
और ये वरुण भाई ने इतनी भारी मीटियर चलाई है, कोई बोलेगा भी नहीं कि इसका फर्स्ट टाइम लद्दाख आया है। ये बहुत ही सॉलिड चलाई है। लेफ्ट में ये दो नदी का संगम, दिस इज कॉल्ड द जंस्कार वैली। और ये 45 डिग्री स्टीप क्लाइम, माय गॉड, फुल इंक्लाइंड है यार, बाइक भी नहीं चल रही है। हमारे टाइगर नहीं चल रहे थे, हमारे हिमालय इसके सामने क्या है। व्यू देखिए और रास्ता देखिए, दिस इज जंस्कार। पढ़ला पढ़ला बाइक सोल ली ना क्या मोड़ दे पक्का। और एक और एक्सीडेंट, चलो उतर जी ना, तू क्या साइड था, रुको रुको, ये क्या साइड था, हैंडल बेंड ना करो ना। तो मागे पकड़ा ना बटा उठे, पकड़ लो रोशन, पकड़ थाम, चल जेरिकॅनची वाट लागली, घासला का जेरिकॅनने वाचवले। हां गोप्रो कुठं आहे, गोप्रो ठेवलं तुटला का, अरे पण इथून कोण टाकते आता एवढा रस्ता, इथून तर कितने डेंजर होते जंस्कार के रोड्स। सबको लगता है इजी है लेकिन इजी नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उसके बाद लद्दाख राइड जंस्कार राइड कंप्लीट होती है। 6 मिनट पे हमको मिला है टारमैक वाला रोड, रात की सांस ले रहे हैं अभी हम। और ये दुर्गेश भाई का क्लच ब्लेड पूरा जल गया है। साहिल माला देख, ती हिमालयन माला देख तू, थाम थाम नको करू। मी पण येतो, थांब। गाडी ब्रेकडाऊन हुआ है, कोई ऐसा पिकअप वाला मिलेगा क्या? गाड़ी ब्रेकडाऊन हुआ है, क्लच प्लेट जल गया उसका, गाड़ी लोड करके लेके जाने पदों। एक क्लच प्लेट जल गया, गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। एक काढून टाक, पॅनियर्स काढून टाक, तेरा वजन कमी आहे, पॅनियर्स काढून टाक, तेवढं वजन आपल्याला कमी होईल उचलायला। काय स्मार्ट गाय असं मग आहे, गाडी उचलायला गेलं तेच तो पॅनियर्स काढतोय। ओके आधी गाडी मे टोचिंग करके लगे जा रे, पॅनियर्स साईडला ठेव, पॅनियर्स आपण याच्यामध्ये पुढे ठेवू ना, गाडी को चढा रे टोचिंग करके। बांध देना इसको, बांधने को कुछ है, और रस्सी है ना, रस्सी है आणि तुम्ही दोघं याच्यातच जाओ, मी आणि दुर्गेश हेच जातो। हा मी आम्ही मागे येतो, 9:20 और हम अभी जा रहे हैं, दुर्गेश का गाड़ी आगे टो होके चला गया है। नामखा रिसॉर्ट पता है, नामखा नामकारी सर, गोम्पा रोड, कौन सा रोड, गोम्पा, ये देखो टाकरी मो गोम्पा, अच्छा समझ गया, उधर ही रिसोर्ट है देखो, नामखा रिसोर्ट टाकरी मो गोम्पा के पास दिखाई दे रहा है। हाँ तो आप चलो आगे आगे, मैं आपके पीछे भी जाता हूँ, घुमा के ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ में हो तो। हाँ क्या ठीक है, टोचा मार के तो इतना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए,
इतना कैसे हम टूटा मरते। अच्छा वो मिल गया, उन्होंने टेम्पो वाले मिल गए, उन्होंने बोला कि 2000 रुपीज़ लेंगे 14 किलोमीटर, लेकिन हमने सोचा कि पैसा नहीं देखना चाहिए ऐसे टाइम पर, क्योंकि मैं तो फिर बाइक वहाँ अब क्या आना पड़ता था और कितना सेफ है नहीं है पता नहीं हमको, इसके लिए 2000 गए तो गए, लेकिन कैसे गाड़ी हमारे सामने देगी सेफ। और फिर यहाँ से हम आर ए सी या कुछ भी करके उनके सर्विस सेंटर या कहाँ पे भी हम भेज सकते हैं। एवढा अजून कुठे लांब भेटला नाही का? फुल दोनच रूम आहे तिकडे कसं 1500 रुपये पर हेड, त्याच्यामध्ये ब्रेकफास्ट आणि डिनर इन्क्लूड, आणि 4 रूम मिळतात। घेऊन येत आहे तर वाट लागली गाडी, घेऊन येत आहे तर वाट लागली, अशी तशी हजार होती।